हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज मैंने बनाया है वायरलेस पावर ट्रांसफ़र सिस्टम, यानी कि बिना वायर के पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला सिस्टम। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बैटरी से ये कॉइल कनेक्ट है और यहां पर एलईडी से ये कॉइल कनेक्ट है, और जैसे ही मैं इसको पास में ले जाता हूँ तो ये एलईडी जलने लगती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का वायर नहीं है इन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी ये एलईडी जल रही है। तो यार आजकल के जो मोबाइल आ गए हैं उनके अंदर भी इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। उनको खाली चार्जर के ऊपर रख दो और वो चार्ज होने लगते हैं। तो यार आज मैं इसी वायरलेस पावर ट्रांसफ़र सिस्टम को बनाने वाला हूं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के लिए पूरा देखिएगा। आ जाइए तो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बैटरी की। हमने यहाँ पर मोबाइल की बैटरी यूज की है, आप किसी भी प्रकार की बैटरी यूज कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ेगी हमें एक ट्रांजिस्टर की, जिसका नंबर है 2N2222A, और इसी नंबर का ट्रांजिस्टर हमें उपयोग करना होगा, वरना हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी 22K रजिस्टेंस की। मेरे पास 22K का रजिस्टेंस नहीं था, तो मैंने यहाँ पर दो रजिस्टेंस को मिलाया है और यहाँ पर इसकी वैल्यू लगभग 21K आ रही है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर एक एलईडी की। और फ्रेंड्स, अगर ये कंपोनेंट आपको मार्केट में ना मिले तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। और अब हम लेंगे कॉपर का वायर, आप इसके लिए एलोमीटर या फिर पंखे में से निकाल सकते हैं। अब ज़रूरत पड़ेगी हमें एक ढक्कन की। इस ढक्कन के ऊपर हम कॉपर के वायर को लपेट देंगे 30 बार। एक, दो, और अब हम इसे काट लेंगे। और अब हम इस कॉइल को इसके अंदर से निकाल लेंगे। और इस वायर को मैं इसके ऊपर लपेट दूंगा ताकि ये फैले नहीं। और इसी प्रकार से हमें एक कॉइल और बनानी होगी, लेकिन उसके अंदर 3 वायर होंगे। एक, दो, तीन, और 15 टर्न लेने के बाद हम एक लूप बार निकाल देंगे और फिर से इसको 15 बार लपेट देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और फिर इस वायर को हम काट लेंगे। और फिर इस कॉइल को हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। और इस कॉइल को भी हम थोड़ा सा बांध देंगे ताकि ये फैले ना। और अब हम इन वायर के ऊपर की इंसुलेशन को जला देंगे ताकि इनके अंदर पावर सप्लाई हो सके। और अब हम इनको नाखून से थोड़ा सा घिस देंगे ताकि इनके ऊपर चढ़ी हुई परत पूरी तरह से हट जाए। अब हम एलईडी लेंगे और पहले वाली कॉइल से इसे कनेक्ट कर देंगे। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रांजिस्टर की। इसके तारों को हम थोड़ा सा फैला लेंगे और प्लास के सहारे रख देंगे ताकि इसके अंदर हम सोल्डरिंग कर सकें। अब हम रेजिस्टेंस लेंगे और ट्रांजिस्टर के बीच वाले वायर से इसे सोल्डरिंग कर देंगे।
अब हम कॉइल के वायर को रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे। और कॉइल के दूसरे वायर को ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे। और अब हमें जरूरत पड़ेगी बैटरी की। बैटरी के लाल वाले वायर को कॉइल के लूप वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे। और बैटरी के काले वाले वायर को ट्रांजिस्टर के बचे हुए तार से कनेक्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस कॉइल को इसके पास में लाता हूँ तो बल्ब जलने लगता है। अब हम इन दोनों कॉइलों के बीच में एक कार्डबोर्ड को रख के देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको कार्डबोर्ड में फिक्स कर देंगे। तो यार, अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो होगा मेरी वीडियो में। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो यार लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।